द न्यू जेसी शो आपका महत्वपूर्ण शो है। इसमें आपने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई महत्वपूर्ण लोगों से सवाल किया आपने। जब नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से पीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया तो सबसे पहले उन्होंने आपको सबसे पहले इंटरव्यू दिया था 80 मिनट का। आज आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी की ये टैक्टिक थी या फिर कोई बाई चांस? इसका सवाल जो अदिति ने पूछा था जी, उसी का बाई प्रोडक्ट है सवाल टीआरपी से रिलेटेड। लाइक राजस्थान चीफ मिनिस्टर, जैसे मैंने पहले स्पेसिफिकली कहा था, उनको पकड़ है। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ वो एक चीफ एडिटर भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट एडिटर इन द कंट्री, दैट इज़ नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत। कहता हूँ आपसे, ये लोग एडिटर भी हैं, ये लोग एड एजेंसी भी हैं, ये सब कुछ हैं, ये प्लानिंग भी है, इनको सब पता रहता क्या है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं देखता था वहाँ, ईटी गुजराती चलाते थे हम लोग जो है, उनको सब पता रहता था कौन सी एजेंसी है, कौन सा ऐड देना है, कब बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो चूंकि वो टीआरपी से बंधे हुए नहीं थे नरेंद्र मोदी, बार्क से टैम से, उनको पता था कि ग्रास रूट पकड़ किसकी है, ईटीवी की है। क्यों है? 27 राज्यों में देखा जा रहा है, 14 चैनल चल रहे हैं, क्रेडिबिलिटी है चैनल की। तो उन्होंने एक रात, मैंने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया, रात 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया, क्या हो रहा है? मैंने कहा सर सोने की तैयारी कर रहे हैं, कि आज मैंने एक बड़ा फैसला किया है। मैंने कहा सर बताइए। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है टाइम्स नाउ को, 0.2% लोग, 0.02%, ठीक है। तो मैंने कहा सर फिर? उनका मैं इंटरव्यू दूंगा उसको जिसको 60% लोग देखते हैं। मैंने कहा सर किसको दे रहे हैं? अपने पर में कहा कि उन दिनों सीएम थे तो मीडिया से बहुत घुल मिल के रहते थे, हम भी जाते थे जो है। तो उन्होंने कहा मैं ईटीवी को दूंगा। मैंने कहा सर बाकी सब लोग अपने खिलाफ हो जाएंगे। मैंने तो अपनेपन में एक्स्ट्रा मोर लॉयल देन द किंग, उस परिभाषा में जो है ना उनको कहा कि सर बाकी खिलाफ हो जाएंगे। कैसे? मैंने कहा कि दफ्तर में 221 लोगों के कागज़ पेंडिंग पड़े हुए, रिक्वेस्ट, बीबीसी, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्स वाई जेड जो है ये, उनका वो आप छोड़िए। मुझे उन्होंने थोड़ा डांटा और कहा आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा सर सुबह आते हैं, हमने मित्र को साथ लिया, वहाँ चले गए। इंटरव्यू हो गया वहाँ पे 1.25 घंटे का। इंटरव्यू के बाद में पीयूष गोयल जी का फ़ोन आया, उनका भाई साहब आपने क्या किया? हमने कहा कैसे? उनका आप कमाल करते हो, आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। हमने कैसे? उनका भाई वो नेशनल चैनल सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो डिक्लेयर हो गए नॉमिनी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल, वहाँ से करेंगे कि आपसे करेंगे? अरे हमने कहा भैया साहब को फ़ोन लगाओ, उन्हीं से पूछो, उनके दफ्तर में जो है। तो उनका अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने बताया उनको किस्सा, कैसे से फ़ोन आया था। उनका अच्छा ठीक है, फिर आप जानो वो जाने, होता है जैसे भी, मैं बाहर जो है ठीक है। हमने सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि भाई ये ऐसे से आया है, पीयूष गोयल बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, ट्रेजरर थे, सारा मीडिया का देखते थे वो, तो क्या करें? उनका पूछ के बताता हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, इसको चलाइए 12 दिन तक, और 12 दिन तक किसी और को इंटरव्यू नहीं देंगे। तो ये वेल थॉट डिसीजन था नरेंद्र मोदी का, वो टीआरपी से ओरिएंटेड नहीं था, बार्क नहीं था, टैम नहीं था, वो नरेंद्र मोदी का अपना मैकेनिज्म था, उनकी पकड़ थी मीडिया पर, उनको पता था कि कौन सा चैनल चलता है, कहाँ मेरा देने से क्या होगा। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की इंटरव्यू तुरंत बाद में कांग्रेस में हलचल मची, राहुल गांधी ने बुलाया, फिर कुणाल से हमने बैठा के राहुल गांधी का इंटरव्यू करवाया इन ए वे। और फिर दूसरा इसी टीआरपी को बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी वाली बात को जो है इसमें, कि उन्होंने फिर एक इंटरव्यू तो दिया सो दिया उस समय जो है, उसके 15 दिन बाद में एक इंटरव्यू और दे दिया उन्होंने गया में। फिर जो कैंपेन ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा लो चलो तीसरा भी ले लो आज, और माइक पे कहा कि पहला ही मैंने आपको दिया था, तीसरा भी आपको दे रहा हूँ। उनका बड़प्पन था, तीसरा इंटरव्यू लिया। तो ई टी वॉज द ओनली नेटवर्क जिसको एक महीने में प्राइम मिनिस्टर के बनने वाले प्राइम मिनिस्टर के 3 इंटरव्यू मिले। पीएम तो बाद में बने, लेकिन उनकी जो क्रेज़ थी मीडिया में वो उस दिन भी ऐसी ही थी, पीएम बनने से पहले भी जैसी आज थी। एक है कुदरत का चमत्कार है या जो भी उनका है। तो जो आपने मोदी जी की बात कही आपसे, ये घटना इस तरह से घटी, और इसलिए घटी कि उनको पकड़ का पता था, उनका फीडबैक सिस्टम गजब है, उनको पता रहता है कि क्या सही है क्या नहीं, रीच इन ए वे।